लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द एक्ट, यहाँ से हमको पढ़ना है, स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल बना हुआ है, क्या ऑफेंस करोगे तो उसकी क्या पेनल्टी लगेगी। बढ़िया से टेबल है। पहला, अगर आप यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर करते हो, इफ यू यूज अ नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर, पहली बार गलती करते हो तो 25,000 रुपये तक का फाइन, लेकिन उसके बाद दूसरी या उसके बाद और दूसरी बार गलती करते हो तो 6 महीने तक का कारावास या फाइन दोनों लग सकता है। मतलब पहली बार में आपको क्या देके छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार गलती करी तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों लगेगा। अच्छा, अगला ऑफेंस है कि अगर आप वेट्स एंड मेजर्स के साथ कोई ऑल्टरेशन या टेम्परिंग करते हो, टेम्परिंग यानी छेड़खानी, नाप तोल के मशीन के साथ छिड़खानी कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो ताकि वो कम तोले, तो अगर कोई टेम्परिंग या ऑल्टरेशन करते हो तो उस गलती का, अगर पहली बार गलती करते हो तो 50,000 रुपये तक का फाइन, लेकिन अगर दूसरी और उसके बाद फिर से गलती की तो फिर 6 महीने की कम से कम सजा है ना। अंतर क्या है ऊपर और नीचे में, ये मैक्सिमम 6 महीने की अप टू, और ये मिनिमम 6 महीने की। अंतर समझ में आया, ध्यान से पढ़ना बारीकी से। और इसकी मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 ईयर, या फाइन या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये तो अपने पढ़ना सीख ही ली वैसे भी, पनिशमेंट्स कैसे देता है लॉ। चूंकि इसमें इम्प्रिजनमेंट लिखा है, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस में ही इम्प्रिजनमेंट होती है, सिविल ऑफेंसेस में तो होती ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का यूज करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा हुआ तो था ही नहीं, तो फिर क्या लॉ पढ़ा हमने। अगर हम इम्प्लाई करना नहीं जानते हैं, इफ वी कैन नॉट इन्फर थिंग्स फ्रॉम वॉट इज रिटन, तो फिर क्या लॉ पढ़ा अपन। अब आता है अपने को निचोड़ निकालना, बिना लिखी हुई चीजों को भी हम समझ जाते हैं लॉजिक लगा के। फिर अगला पॉइंट, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, कितने ऑफेंस हो गए अभी तक, नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर को यूज करना पहले, दूसरा टेम्परिंग या ऑल्टरेशन करना, तीसरा नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर को बनाना या बेचना, ये भी एक अपराध है। इसका 20,000 रुपये पहली बार का, दूसरी बार में 3 महीने तक की जेल या 3 साल तक की जेल या चौथा ऑफेंस, अगर कोई सेल कर रहे हो, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ एनी आर्टिकल एटसेट्रा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड सेस होता है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड आर्टिकल बेच रहे हो आप, वेट एंड मेजर की बात होगी, नाप तोल के बाट और डिवाइसेस की। अब अगर वो वस्तु है और जो वेट्स एंड मेजर्स के स्टैंडर्ड्स को कंफर्म नहीं कर रही, या इंडिया में जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं डेसिमल सिस्टम में, मेट्रिक सिस्टम में, उसको कंफर्म नहीं कर रही है, उस गलती की सजा कितनी, 10,000 रुपया या 1 साल तक का फाइन, या पहली बार में 10,000 रुपये, दूसरी बार में फिर जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी लग सकता है। अच्छा, अगर आपके पास कोई सरकारी अधिकारी आया और उसने कहा कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, तो आपने प्रोड्यूस किए या नहीं किए, नहीं किए, नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन यानी पेश, यहाँ पेश के सेंस में, आप अगर डॉक्यूमेंट पेश करने का बोला था और पेश नहीं किया तो सजा कितनी मिलेगी, पहली बार ये गलती करोगे 5,000, दूसरी बार करी तो 1 साल तक की जेल या फाइन दोनों लग सकता है। अगली गलती, पेनल्टी फॉर रेंडरिंग सर्विसेज बाय नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर नंबर, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या सर्विस प्रोवाइडर भी वेट्स एंड मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज, पैथोलॉजी लैब क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज, लेकिन वो जो क्वांटिटी बताते हैं इतने मिलीग्राम ये निकला उतने मिलीग्राम, वो जिस डिवाइस से नापा तोला है वो अगर नॉन स्टैंडर्ड हुआ, तो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज या रेंडरिंग सर्विसेज यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, तो उसकी कितनी सजा है, 2,000 रुपये तक का फाइन, मैक्सिमम अप टू 5,000 रुपया, और दूसरी बार अगर ये गलती करी तो फिर तो 3 महीने तक की मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, जो 1 साल तक की भी हो सकती है, या फाइन या दोनों। कि पेनल्टी एक बार पढ़ रहे हैं, अब आगे किसी भी एक्ट में पेनल्टी नहीं पढ़ेंगे, ठीक, फिर मैं बोलूंगा बेटा पेनल्टी होमवर्क है, क्योंकि आपको देख के लग रहा है कि इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं कि पेनल्टी पढ़ाया जाए और पेनल्टी पे टाइम वेस्ट किया जाए। पेनल्टी याद करने की, क्रैम करने की चीज़ होती है अनफॉर्चुनेटली। अब आपको ये पेनल्टी याद करना पड़ेगी, किस में 5,000 है, किस में 2,000 है, और सर हमको एग्जाम में पेनल्टी याद नहीं आ रही तो क्या करेंगे, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा सच पेनल्टी एंड सच इम्प्रिजनमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उसका भी अपने पास तरीका, या तो याद करो। अब याद तो क्या कराया आपको,
ये वाली गलती की इतने साल की सजा, ये वाली गलती की इतने साल की सजा, हर गलती की अलग अलग सजा। ये तो रटने की चीज है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रटने के अलावा, ठीक। लेकिन अगर रट भी नहीं पाया आप खुद से, तो फिर क्या करोगे? प्रिस्क्राइब लिख के आ जाओ, सच पेनल्टी आइज में भी प्रिस्क्राइब। थोड़ी सी अगर लाइट बढ़ जाए तो रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। पेनल्टी फॉर सेलिंग एक्सेट्रा नॉन स्टैंडर्ड पैकेजेस, अगर आप नॉन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स के पैकेजेस बेचते हो, याद करो प्री पैक्ड कमोडिटी पे क्या लगाना पड़ता है अपने को? सर्टन डिक्लेरेशन, क्या देना पड़ता है? और अगर वो डिक्लेरेशन नहीं दिया आपने, या नॉन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स के पैकेज बनाए, तो उसकी सजा कितनी है? पहली बार गलती करो तो 25,000 का फाइन, और दूसरी बार करते हो तो 50,000 रुपये मिनिमम फाइन, अप टू 1 लाख, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और पढ़ना आ गया आपको। और अगर आप सील की जालसाजी करते हो, काउंटर फिटिंग ऑफ सील्स, काउंटर फिट मीन्स जाली नकली, याद करो मैंने कहा था ना कि स्टैंडर्ड्स ऑफ वो जो वेट एंड मेजर है वो वेरीफाइड भी होनी चाहिए, और वेरीफाई मतलब उसके ऊपर सरकारी सील हो कि हाँ ये 1 किलो का बाट 1 किलो का ही है, ये मशीन बराबर है, ओके टेस्टेड लिखा हुआ रहता है ना मशीन पे, है ना, हरे रंग के ऐसे छोटे से उसके ऊपर ओके लिखा हुआ मिलेगा सफेद रंग से, वो जो ओके वगैरह के वो जो सरकारी सील है वो आपने जाली बनवा के अपने नकली वेट्स एंड मेजर्स पे सरकारी जाली सील लगवा दी, ताकि कोई अधिकारी आए तो उसको दिखा दे कि सर मेरे वेट्स एंड मेजर्स वेरीफाइड है, इस पे सील लगी हुई है। तो पहले तो आप नॉन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर यूज करो, ऊपर से आपने सील भी नकली लगा दी, काउंटर फिटिंग ऑफ सील, ये वाला ऑफेंस, तो दादा आपको पहली बार में ही सीधे इंप्रिजनमेंट है। अभी तक आप देख रहे थे पहली बार में सिर्फ फाइन था, दूसरी बार में इंप्रिजनमेंट, लॉजिक समझ में आया? ये थोड़ा सा लॉजिकल, लेकिन ये वाली गलती सर जालसाजी फ्रॉड 420, इसमें तो पहली गलती पे इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने से लेके 1 साल तक की, और दूसरी बार करी तो 6 महीने से लेके 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। समझ में आया कितना कठोर दंड है यहाँ पे? क्यों कठोर है? क्योंकि आपने ठीक है नकली यूज करो वो चलेगा, लेकिन नकली यूज कर रहे हो ऊपर से उसको असली बता के यूज कर रहे हो, और वो भी सरकारी सील को काउंटर फिट कर रहे हो, जाली कर रहे हो, काउंटर फिट नोट है ना, नकली नोट, काउंटर फिट कॉमन वर्ड है इंग्लिश का जिसका अर्थ है जाली नकली, ठीक, जो दिखे असली जैसा लेकिन हो, तो काउंटर फिटिंग अलाउड है क्या? कहीं भी अलाउड है। फाइन तो दिए ही नहीं इस वाले में, फाइन तो एज है हाँ, उसकी रेंज ही नहीं थी ना सेकंड में, फिर जो भी उसमें फाइन बोला ही नहीं, पर इम्प्लाइड है कि फाइन सरकार लगा सकती है, कोर्ट लगा सकती है जितना चाहे, कुछ नहीं लिखा है, मतलब फाइन एज में भी रिस्क, जो भी कुछ हो इससे ऊपर भी लगा सकती है। चलो भाई सारी पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस समझ में आ गई सेक्टर में, कि क्या गलती करोगे तो कितनी सजा मिलेगी, अभी जो पढ़ा उसका सार क्या, कि किस गलती पे क्या सजा मिलेगी। आगे बढ़ रही OIML, OIML जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फिर उस हिसाब से इसका अब्रीविएशन क्या होना चाहिए, IOLN, लेकिन OIML ही ठीक है। पूछो क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी मेट्रोलॉजी लीगली, लीगाले जो भी है, लीगाले लीगेल, ये फ्रेंच वर्ड बन गया, कैसे मालूम पड़ा आपको? क्योंकि फ्रेंच में बहुत सारी सिस्टर होती है, ये डी है, ये डी दिख रही है आपको, डी डी मतलब दीदी होता है, पायल दी, खुशबू दी, माही दी, तो दी मीन्स दीदी, तो फ्रेंच में बहुत सारी दी होती हैं, टूर डी फ्रांस, ला टूर डी फ्रांस, लांस आर्मस्ट्रांग जिसमें साइकिलिंग की रेस होती है, डी लगा देते हैं, तो फ्रेंच है ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी मेट्रोलॉजी लीगली, या लीगाले या लीगेल जो भी, लीगेल क्रिस गेल का भाई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? OIML। इसका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अब्रीविएशन क्या है? OIML। लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इस फ्रेंच वर्ड का इंग्लिश मीनिंग? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल की बात है, हमको लग रहा था नापतोल क्या है यार, नापतोल तो एक टीवी पे चैनल है जिसमें बहुत सारे ऑफर आते हैं, ये तो मैंने बोला ही नहीं होता, एक बार नापतोल करके चैनल आता है, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है,
मेरी मम्मी जब चाहे तब वो लगा ले, एक मिनट रुक जा देखना तो क्या क्या कोई ऑफर की चीज नहीं, ऐसे एक बार भी नहीं मंगाई कभी। पर वो जो लड़के लड़के आते हैं और बिल्कुल ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बस ये 3 हमारे पीस बचे हैं, इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इतने कॉलर आ रहे हैं, बस 3 पीस बचे हैं, झट से ऑर्डर कीजिए, ऐसी डील कभी नहीं मिलने वाली आपको दोबारा, चिल्ला चिल्ला के। तो वो मजा बहुत आता है उसको देखने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कौन से सन में बना था? मतलब ये कोई रीसेंट कंसेप्ट नहीं है, 1955 में ही बन गया था ये। मतलब नाप तोल की जो व्यवस्था है और उसका जो महत्व कब समझ में आ गया था दुनिया को? अच्छा क्यों बना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाने की जरूरत है, फिर अपने अपने देश में बना लो अपना। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करोगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का? अमेरिका पाउंड में बेच रहा है, इंडिया किलोग्राम में बेच रहा है, तो कोई दूसरी अपने तरीके से बेच रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड मुश्किल हो जाएगा करना। इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से हो इसके लिए क्या जरूरी है कि लीगल मेट्रोलॉजी की भी एक इंटरनेशनल बॉडी हो जो सबको गवर्न करे, और उस बॉडी में जितने भी मेंबर कंट्रीज, जैसे यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर कंट्रीज होंगे, वैसे OIML की जो मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर ये साइन किया है अग्रीमेंट और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वो फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करें इसके लिए। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1955 टू प्रमोट ग्लोबल हारमोनी ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर। क्या प्रमोट करने के लिए? कि लीगल मेट्रोलॉजी के जो प्रोसीजर्स हैं वो ग्लोबली यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो जाए, हारमोनाइज हो जाए, और हारमोनाइज मीन्स कोऑर्डिनेट हो जाए। ये पूर्व में जा रहे हो वो पश्चिम में जा रहा है देश, ऐसा ना हो, सब एक दिशा में हारमोनियसली चले, कोऑर्डिनेटेड। तो OIML इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है ये? गवर्नमेंट यानी सरकार, इंटर यानी सरकारी या सरकारों के बीच में, इंटर मीन्स बीच में, इंटरनेशनल जो दो नेशंस के बीच में हो वो इंटरनेशनल, इंटर स्कूल जो दो स्कूलों के बीच में हो या दो से ज्यादा स्कूलों के बीच, तो जो दुनिया के कई देशों की सरकारों के बीच में हो, यानी सरकारों के बीच में एक ट्रीटी हुई है, ट्रीटी मीन्स समझौता, संधि, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना? दुनिया की कई सरकारों ने मिलकर उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो दो देश ने मिलकर बनाया या दुनिया के कई सारे देशों ने मिलकर बनाया? तो जितने देशों ने मिलकर बनाया है वो सब इसके क्या हैं, मेंबर हैं OIML के। ऐसा सुन के लग रहा है कि कोई जेंट्स आया और उसको आते समय स्वागत किया गया हो। ओ आइए मेल, ओ आइए मेल, है ओ आइए मेल, ओ जाइए फीमेल, ऐसा नहीं लग रहा है? ओ आइए मेल नहीं लग रहा है आपको? ओ आइए मेल, कभी ऐसा आपको फील हुआ होगा कि यार ये सर अगर कहीं अकेले में मिल जाए, नीचे पार्किंग में अंधेरे में, तो सब घेर के ऐसे फूट दो, सब सुधर जाएंगे अपने आप, ढंग से पढ़ाने लग जाएंगे, मारना मजा ठीक है। द OIML इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। बाहर में गया OIML, उनको तो पेरिस लिख लो बस। ऐसे ऐसे जगह पे एक तो इनके हेडक्वार्टर है, इनको समझ में नहीं आती कि पेरिस इज नॉट फॉर ऑल दीज बिजनेस थिंग्स, है ना, दुनिया की सबसे रंगीन जगह है यार पेरिस। लोग हनीमून बनाने जाते हैं पेरिस में, लोगों की ख्वाहिश रहती है कि मैं आईफेल टावर पर चढ़ के ऊपर फिर क्या क्या करूं। तो वहां पे ऐसे ही बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल बॉडी बना के ऑर्गेनाइजेशन खड़े थे, जरूरत है वहां उसको रहने दो, इट इज द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पेरिस मिलान मालूम है ना आपको, इटली का मिलान और फ्रांस का पेरिस, ये तो फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच डेवलप द वर्ल्ड वाइड टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉर इट्स मेंबर्स विथ मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज कंसर्निंग द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब मोबाइल एप्लीकेशन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना। तो लीगल मेट्रोलॉजी को जब अप्लाई करता है हर देश अपने यहाँ अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, मेजरिंग या वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसको मैन्युफैक्चर करने में या और उससे जितनी भी जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए टेक्निकल
टेक्निकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ आप मन से लिख सकते हो। वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपनी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब के लिए OIML क्या करता है, एक टेक्निकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है या रिसर्च भी करता है कि अब इस नए तरीके से तोला जाए, वैक्यूम में कहीं पर तोला जाए कि हवा का भी वेट ना आए उस बाट, समझ रहे हो। आमतौर पर खाली मशीन रहती है वो भी आपको 2-3 दिन कभी कभी एकदम ब्लिंक करता है, 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ भी तो नहीं रखा, फिर यहाँ 2 ग्राम लिखा हुआ क्यों आ रहा है, 0.02 ग्राम हवा का भी वेट होता है। ये तो ठीक है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में तो फिर भी थोड़ा चलता है, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा प्रिसाइजनेस जरूरी हो, प्रेसिशन, वहां तो हवा का भी वेट नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत सारे टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च चलती है, और वो रिसर्च वगैरह करने का काम कौन करता है, हर देश अपने अपने स्तर पे तो करता है, इंटरनेशनल लेवल पे OIML, और जो भी वो करता है नया, उसकी गाइडलाइंस, उसकी गाइडेंस, उसके टेक्निकल सपोर्ट या स्ट्रक्चर बना के किसको प्रोवाइड करता है, डेवलप करके मेंबर कंट्रीज, ठीक है। OIML के फंक्शंस क्या हैं, ये ज़्यादा बेटर है। रटोगे क्या OIML को कि मन से लिख सकते हो अभी भी, क्या है इसके बारे में 3-4 लाइन मन से लिखना आ जाएगी क्या अभी भी, जैसे क्या लिखो, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस में, और इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दो, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, पॉइंट वाइज, तीसरा पॉइंट, चौथा प्रोवाइड टेक्निकल स्ट्रक्चर गाइडलाइंस एटसेट्रा फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज फॉर सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये होगा बस 4-5 पॉइंट। जरूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड यही लिखा जाए, अपनी लैंग्वेज में, बशर्ते समझ में अच्छे से आया हो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और वही अपनी कोशिश रहती है। आगे देखो फंक्शंस ऑफ OIML, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर नेशनल एंड रीजनल रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बराबर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, अलग अलग नेशनल और रीजनल लेवल पे, नेशनल और रीजनल लेवल मतलब एक तो नेशन टू नेशन बेसिस पे जिस नेशन को जो चाहिए वो, और दूसरा रीजनल मींस वो रीजन भी डेवलप करके रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया, है ना, तो वो रीजनल बेसिस पे भी कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, इन 4-5 देशों का एक रीजन है इनको, या फिर कंट्री टू कंट्री बेसिस पे भी करता है। यहाँ रीजन मतलब ये नहीं कि इंडिया का ये बुंदेलखंड रीजन, मालवा रीजन, और छोटे लेवल की बात नहीं चल रही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े लेवल की बात चल रही, वहाँ पे रीजन मतलब ये 3-4 देश मिला के एक छोटा सा कस्बा माना जाए, इतनी बड़ी धरती पे ये 2-3 देश मिला के कस्बे हैं, है ना, हम इंडिया तो खैर कस्बा नहीं है, इंडिया तो बहुत बड़ी चीज है। इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब ये किसके बिहाफ पे काम करता है, पब्लिक अथॉरिटीज यानी कि सभी देशों की सरकारों के बिहाफ पे, सरकार पब्लिक अथॉरिटी है, हर देशों की पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ पे काम करता है, जो भी कुछ इंप्लीमेंट करता है उनके बिहाफ पे करता है। फिर इट इज एंटायरली ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल नेचर, OIML क्या है, लेजिस्लेटिव नेचर का है, लेजिस्लेटिव क्यों, क्योंकि ये लॉज भी बनाता है, और लॉ बोले तो रूल्स रेगुलेशन एंड नॉर्म्स, इंटरनेशनल ट्रेड में लीगल मेट्रोलॉजी के क्या नॉर्म्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, तो जो भी लॉ बनाए वो लेजिस्लेटिव हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका एक फंक्शन क्या है, लेजिस्लेटिव। दूसरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, कोई देश अगर नहीं करता है, गलती करता है, उनको डांट भी लगाता है या उन पर पेनल्टीज भी लगाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी क्या करता है भाई, अकेडमी का मैनेजर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी कर्मचारी ने ठीक से काम नहीं किया तो सैलरी काट देगा वो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला, कंट्रोल करने वाला, है ना। तो ये सिर्फ ये लॉ भी बनाती है, लॉ मीन्स मेंबर कंट्रीज के लिए रूल्स, तो ये लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में भी काम करती है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, और तीसरा टेक्निकल नेचर का काम भी, या टेक्निकल नेचर भी इसका एक मेन फंक्शन है, क्योंकि मेट्रोलॉजी इज ए साइंस, नाप तोल के एक एक यूनिट मतलब 0.0001 तक की प्रेसिशन आनी चाहिए, तो ये टेक्निकल नेचर का काम है, नाप तोल बाट वगैरह सब बनाना, और सिर्फ अपन तो नाप तोल को मोटा मोटा बोलते हैं, इन्होंने तो सब्सटेंस ऑफ मोल तक ले लिया, वेट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, थर्मोडायनेमिक्स केल्विन, तो पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, और इन तमाम चीजों के लिए इनको काम करना पड़ता है, तो बहुत ही टेक्निकल नेचर का काम, बोलने में नाप तोल आता है, सिर्फ
आप ऐसा लगता है कि मीटर और किलो की बात चल रही है, लेकिन और भी बहुत सारी इसमें चीजें इन्वॉल्व है। फिर इट डेवलप्स मॉडल रेगुलेशन। देखो मान लो कि कोई देश है से यूएई, मतलब वो देश तो है, मान लो कि उस देश के यहाँ कोई कानून नहीं है लीगल मेट्रोलॉजी का, या उनको अपने देश में लीगल मेट्रोलॉजी का कानून बनाने में दिक्कत आ रही है, कैसे क्या फ्रेम करें हम कानून, तो उनको एक मॉडल रेगुलेशन मिल जाता है ओआईएमएल से। ओआईएमएल बहुत सारे मॉडल कानून बना के रखती है, या एक मॉडल कानून बनाती है, और वो मॉडल कानून को देख के उसकी देखा देखी अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके कानून बना ले। जैसे मैं आपको एक मॉडल आंसर दे देता हूँ मान लो किसी क्वेश्चन का, उसको देख के अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में एक आंसर लिख लो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि नहीं, मान लो ऐसा करें अगर, तो है ना। उसी तरह से ओआईएमएल ने मॉडल लॉज या मॉडल रेगुलेशन बनाए, मॉडल इंटरनेशनल रिकमेंडेशन बनाई है कि भाई जनरली हम ये सभी रिकमेंडेशन देते हैं अलग अलग देशों को, फिर कस्टमाइज भी कर लेते हैं जिस देश को, उनके हिसाब से इंडिया में क्या चलता है, किलोग्राम चलता है, और इंडिया के लोगों की क्या डिमांड है, यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, उसके हिसाब से नाप तोल कैसा होना चाहिए। तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन जो ग्लोबली कॉमन होगी वो भी देता है, और हर नेशन को इंडिविजुअली भी देता है, हेल्प करता है जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको। कौन? ओआईएमएल। तो मॉडल रेगुलेशन बनाता है, समझ में आया? इंटरनेशनल रिकमेंडेशन देता है, और क्यों देता है? टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट्स इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन फॉर मेट्रोलॉजिकल परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग, कि आपका जो भी नाप तोल का डिवाइस बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो इंटरनेशनल जो स्पेसिफिकेशन है उसमें, या जो उसमें जब भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी, परफॉर्मेंस से टेस्टिंग होगी उसके, मेट्रोलॉजिकल परफॉर्मेंस की टेस्टिंग होगी, उसको क्या करे? मीट करे। मीट करे मीन्स उन मानकों पे खरे उतरे, उन स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरे। इट शुड मीट द परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग। जैसे मैं आपको इस तरीके से प्रूफ तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट जब ICSI की परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग हो, तब आप उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सको, और वो बोले कि नहीं हाँ इसने सही लिखा है, इसको आन दो, बन जान दो इसको, सही बस वैसे। ठीक है क्या? क्लियर एकदम कंसेप्ट? चलो अब मुझे बताइए कि क्या OIML इतनी बड़ी बॉडी है तो ये सर्टिफिकेट वगैरह भी बांटती होगी कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को जो वेट्स एंड मेजर्स के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कि हाँ भाई हमसे सर्टिफाइड हो मतलब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट सही है। जैसे इंडिया में जो बॉडी है वो भी वेरीफाई करती है, सील लगाती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कोई बॉडी होगी जिसने किसी कंपनी को, मतलब मेरी कंपनी भारत सरकार से सील प्राप्त है, वेरीफाइड है, मेरे हर डिवाइस वेरीफाइड है, और मुझे OIML सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, तो मेरी छवि कैसी हो जाएगी एकदम? और मैं क्या बनाता हूँ? कमर्शियल वेइंग स्केल्स। तो जितने भी किराने के दुकानदार हैं वो मेरी कंपनी के ही वेइंग स्केल्स खरीदते हैं, जितने मिठाई वाले हैं मेरे वेइंग स्केल खरीदते हैं, जितने डेयरी वाले हैं सब मेरे वेइंग स्केल खरीदते हैं। मेरी कंपनी का नाम से यूनिटेक, मैंने नाम देखा था कहीं एक जगह यूनिटेक लिखा था, मैंने कहा चलो ये कंपनी का नाम मालूम पड़ेगा। यूनिटेक नाम की कंपनी है जो वेइंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाती है, और अगर उसको OIML सर्टिफिकेट प्राप्त हो तो कितनी अच्छी उसकी रेपुटेशन हो जाएगी। एक तो श्योरिटी भी होगी कि वो अच्छे बनाती है, दूसरा ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है। ISI मार्क देखते ही आप हेलमेट खरीद लेते हो, भले ही थोड़ा महंगा हो, लेकिन अगर सस्ता मिल रहा हो लेकिन आपने देखा ISI मार्क नहीं, तो आपने कहा यार मत खरीदो। तो कई बार ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं ये आपके ब्रांड वैल्यू में इजाफा करते हैं कि नहीं करते हैं, बढ़ोतरी। तो OIML का सर्टिफिकेट मिल जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम टेबल टेनिस खेलते थे, आई वॉज अ टेबल टेनिस प्लेयर, आई हैव प्लेड ओनली इंटर स्कूल, वहां भी हार के आए थे स्कूल को हरवा दिया, पर जो भी है खेलते थे भाई, मेरे स्कूल में तो मैं अच्छा खेलता था ना, तो मुझे ही भेजा टेबल टेनिस खेलने के लिए। तो जब भेजा तो बॉल यूज करते हैं, तो टेबल टेनिस की बॉल यूज करते हैं, तो आप देखना नॉर्मल बॉल यूज नहीं करेंगे, उसमें लिखा रहेगा अप्रूव्ड बाय TTFI, टेबल टेनिस की वो बॉल ऑरेंज या व्हाइट कलर की, विच इज अप्रूव्ड बाय TTFI। TTFI मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इवन जो रैकेट आता था मेरे पास था इनफाइनाइट कंपनी का, हंटर सबसे फेमस कंपनी होती थी उस समय, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का हंटर, उस पर भी लिखा होगा, उसका जो वो होता था हैंडल पकड़ने का, उस पर लिखा होता था अप्रूव्ड बाय TTFI। तो ये देखते ही खरीद लेते थे, और कई बार स्टेशनरी की दुकान पर वो लटके भी मिल जाते थे, टेबल टेनिस के रैकेट्स छोटे वाले, वो एकदम लोकल क्वालिटी के होते थे, उसमें आप बॉल को टॉस करके इधर यू मारो तो कट की आवाज आती, लेकिन अपन जो अच्छी क्वालिटी का रैकेट खरीदते हैं थोड़ा ब्रांडेड, तो उसमें एकदम सॉफ्ट बढ़िया खेल चलता है, बहुत जोर से कट कट की आवाज नहीं। क्या समझ में आया?
किसी ब्रांड के द्वारा सर्टिफाइड, किसी बड़ी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड जो चीज़ होती है उस पर हम आंख मीच के विश्वास कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन देने का काम करते हैं क्या? वो तो करते ही करते हैं। तो द OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड लोअर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट। और मजे की बात, जिस कंपनी को OIML सर्टिफिकेट मिल जाता है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, उस पर टैक्स की ड्यूटीज वगैरह भी और जो जो भी है वो सब भी कम लगती है। अब मान लो चाइना की कोई कंपनी है जो OIML सर्टिफाइड है, तो उसके ऊपर बहुत सारी कॉस्ट कम लगेगी मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट पे जब उसका इंटरनेशनल ट्रेड होगा। तो जब हम बुलवाएंगे चाइना से वो वेइंग मशीन, तो उसकी कॉस्ट भी कम, कॉस्ट कम पड़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी मतलब मजा है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? और मैन्युफैक्चर करोगे, और अब की बार घटिया क्वालिटी का मैन्युफैक्चर करोगे, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप OIML सर्टिफाइड हो, अब आप उनके मानकों पे ही चलोगे, उन स्टैंडर्ड से नीचे आप नहीं गिर सकते। तो इससे तो बढ़िया है ना। तो इससे क्या होगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरी कॉस्ट कम हो जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़े। और कॉस्ट कम कब होगी? वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉस्ट कटिंग इज OIML सर्टिफिकेट। तो OIML सर्टिफिकेट मिल जाना मतलब एक्यूरेसी की गारंटी। जब सब लोग सर्टिफिकेट लेने की चाह रखेंगे तो फिर एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाएगी मार्केट में। समझ आया लॉजिक? पक्का? विद इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। चलो भैया, अब है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्कस द पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड द डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ एनी। देखो यार, आप देख रहे हो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिस्कस द पावर ऑफ कंट्रोलर डायरेक्टर, मतलब किसी भी एक्ट की जो अथॉरिटी होती है उनसे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनना, एक जनरल कंसेप्ट, ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने की ट्रिक पढ़ाता हूँ बार बार, बहुत थोड़े थोड़े दिन में कभी, आज एक ट्रिक पकड़ना है वापस। पूछो ट्रिक क्या? ट्रिक ये है कि इस एक्ट में कंट्रोलर डायरेक्टर है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी ईडी है, एसेंशियल कमोडिटीज में भी कलेक्टर वगैरह है। मतलब जितने एक्ट पढ़ते हैं हर एक्ट में कोई ना कोई अथॉरिटी होती है और उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। कैसे? उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताओ कैसे बनती है, एक ये बनता है। दूसरा, उसके पावर और फंक्शंस बताओ, एक ये बनता है ना। या फिर एक क्यूमुलेटिव क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी अंडर दिस दिस एक्ट। अब ये तो पढ़ के याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब मजा क्या है, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओ तो भी उत्तर दे लो तो मेरे स्टूडेंट, कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को हम छोड़ के गए और उस एक्ट के, उस चैप्टर के अथॉरिटीज के बारे में नाम कुछ आ गया और उसके बारे में पावर लिखना है और कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो अपना बच्चा कैसे लिखेगा? द अथॉरिटीज अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट आर नोन एज, इतना तो याद है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। जनरली हर अथॉरिटी में एक चेयरमैन होता है, तो इट शैल कंप्राइज ऑफ अ चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद फंक्शंस पे आए, तो द फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी आर, अब वो एक्ट का इंट्रोडक्शन तो आपको आता ही है कम से कम कि किस बारे में है। तो एक्ट जिन जिस उद्देश्य से बना हो वो सब इस अथॉरिटी के फंक्शन है। आया समझ? अपना बच्चा कभी ब्लैंक नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। लॉजिक समझ में आ गया? तो कोई घबराहट के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हमको 100 में से 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आओगे, ये मेरी 99.9% गारंटी है। इतना छोड़ देते ना, कोई कोरोना के भी नहीं दे रहा गारंटी, डिटॉल मारे 99%, वो एक कीड़ा रह जाता है उसमें कुल बुलाता हो, वो डिटॉल की तलवार चलती है उस गोले में, डिटॉल की तलवार होती है, वो जब तलवार चलती तो एक छोटा सा रह जाता है बाकी सब मर जाते। कुछ आपकी गलतियां भी तो हो सकती है, इसलिए मैंने तो सब कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे। तो हमारे चैप्टर पूरा हुआ, अभी क्वेश्चन आंसर खुद से देखना, लिख के देखना। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हो गए हैं जिनके आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, दो चार मुझको दिखाना। राइटिंग प्रैक्टिस चलने दो, आप लोगों ने सुना, अनुग्रह दो। अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।